नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके क्यूज बकर्स पे। दोस्तों मैं शुभम आज आपके साथ शेयर करूंगा 14 फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली के PDFs। और अंत में मैं आपसे टेस्ट लूँगा, तो टेस्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है ताकि आपको इन क्वेश्चन का एनालिसिस हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, देन उसके बाद होगा टेस्ट। चलिए पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास ये कि राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ये आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और भारत कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध थी। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में हुआ था उनका जन्म, और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। और राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो इनमें आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि फरवरी 2020 में कौन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुआ है। दोस्तों वो हुए हैं सार्थक बेहुरिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ये पूर्व अध्यक्ष हैं सार्थक बेहुरिया। इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वरिष्ठ नेता यानी कि वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं, ये आप याद रखिएगा। और बहुरिया जो थे वो जो 2005 से 10 के बीच IOC के अध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द थीन माइंड मैप बुक लॉन्च की है। दोस्तों याद रखिएगा, उनका नाम है धर्मेंद्र रॉय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक मन मानचित्रण और मस्तिष्क साक्षरता के प्रणेता धर्मेंद्र रॉय ने अपनी पुस्तक द थीन माइंड मैप बुक लॉन्च की है। पुस्तक को इस प्रकार बनाया गया है कि किसी को भी मन मानचित्र का विशेषज्ञ बनाने के लिए इस पुस्तक को 2 दिन पढ़ना और पुस्तक में वर्णित सभी जो भी अनुभवात्मक अभ्यासों को करना होगा। उन्होंने 10 से कम वर्षों में 380 से अधिक मन मानचित्रण सेमिनार आयोजित किए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। तो इनका नाम है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये कि फरवरी 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। INS शिवाजी को किस वर्ष कमीशन किया गया था। दोस्तों वो किया गया था 1945 में। ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 फरवरी 2020 को लोनावला में एक समारोह में INS शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर भेंट किया। INS शिवाजी को 1945 में कमीशन किया गया था। अब यह आदर्श वाक्य कर्मशु कोशलम के साथ भारतीय नौसेना का प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। यह नौसेना, तटरक्षक बल, अन्य वहन सेवाओं और संबद्ध देशों में कर्मियों को इंजीनियरिंग अनुशासन में प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2020 में दुबई में जारी नवीनतम ICC ODI रैंकिंग के बल्लेबाजी चार्ट में विराट कोहली की रैंक क्या है। दोस्तों वह है 1st नंबर पर है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 12 फरवरी 2020 को दुबई में जारी नवीनतम ICC ODI रैंकिंग के बल्लेबाजी चार्ट में विराट कोहली शीर्ष पर रहे हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं रोहित शर्मा, इनका नाम आप याद रखिएगा। और जो तीसरे नंबर पर रहे हैं वह हैं, याद रखिएगा, रविंद्र जडेजा हैं। वो 3 स्थान ऊपर आकर 7वें स्थान पर हैं, रविंद्र जडेजा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी जो हैं वो एक नए विश्व नंबर एक ऑलराउंडर के रूप में उभरे हैं, और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल 13वें स्थान पर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रेडियो दिवस 2020 का विषय क्या है। ये आपसे पूछा है, तो वह है दोस्तों रेडियो और विविधता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा, विश्व रेडियो दिवस जो है वो हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस की जो 2020 का जो विषय था वो था रेडियो और विविधता। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। और इसकी जो घोषणा हुई थी इस दिवस की 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व रेडियो दिवस की घोषणा का समर्थन किया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर फरवरी 2020 में नई दिल्ली पहुंचे हैं। पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, वो है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा इनका नाम है। ये भारत की 4 दिवसीय यात्रा 13 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचे हैं। यह राष्ट्रपति मार्सेलो की भारत की पहली यात्रा होगी। भारत के पुर्तगाल जो हैं, पुर्तगाल के राष्ट्रपति की अंतिम यात्रा 2007 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। पुर्तगाल की जो राजधानी वो याद रखिएगा लिस्बन है, वहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 में कहाँ बिम्स्टेक सहयोगी देशों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के मुद्दे पर 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है दोस्तों, वो हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक सहयोगी देशों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के मुद्दे पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। चलिए आज का हम टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 8ों क्वेश्चन जो आज मैंने करा है उनका टेस्ट वापस मैं आपसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में क्वेश्चन के आंसर देकर एनालिसिस करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2020 में कौन रिलायंस इंडस्ट्रीज में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द थीड माइंड मैप बुक लॉन्च की है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का, कि फरवरी 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। INS शिवाजी को किस वर्ष कमीशन किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 में दुबई में जारी नवीनतम ICC ODI रैंकिंग बल्लेबाजी चार्ट में विराट कोहली की रैंक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व रेडियो दिवस 2020 का विषय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर फरवरी 2020 में नई दिल्ली पहुंचे हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फरवरी 2020 में कहां बिम्स्टेक सहयोगी देशों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के मुद्दे पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां हुआ है? ठीक है दोस्तों, आज के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आशा है आपके 8ों क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।